माय डियर लविंग चिल्ड्रेन, प्यारे बच्चों, आज हम लोग वेजिटेशन के बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे क्या है। मैं वेजिटेशन के कुछ पार्ट में पहले ही बता चुका हूँ, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। कुछ वेजिटेशन के वैसे पार्ट हैं जैसे डेजर्ट है, ऐसे मैं आप लोगों को कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में बताऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं कुछ वर्ल्ड के वैसे क्षेत्र बताना चाहता हूं जहां वेजिटेशन बहुत कम है, जहां रेनफॉल भी कम होती है। बच्चों जानते हो, विश्व के वैसे क्षेत्र जहां पर रेनफॉल कम होती है और वेजिटेशन बहुत कम है, वैसे क्षेत्रों को बोलते हैं डेजर्ट, मरुस्थल बोलते हैं। देखिए डेजर्ट, डेजर्ट, डेजर्ट क्या है? द वास्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड वेयर वेजिटेशन इज वेरी लेस एंड रेनफॉल ऑल्सो अकर्स वेरी स्केंटी। स्केंटी मीन्स वेरी लेस रेनफॉल। दस द वास्ट एरिया हैविंग वेरी लेस वेजिटेशन एंड लेस रेनफॉल इज कॉल्ड डेजर्ट। डेजर्ट कैन बी डिफाइन, डिफिनीशन ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट द वास्ट एरिया हैविंग वेरी लेस वेजिटेशन एंड लेस रेनफॉल इज टर्म्ड एज डेजर्ट। राइट, हियर आप तो ये समझिए कि डेजर्ट क्या है। क्या आप बता सकते हैं कि डेजर्ट वर्ल्ड में कितने तरह के होते हैं? डेजर्ट अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू डिफरेंसेस इन टेम्परेचर कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, डिफरेंस इन क्लाइमेट एंड टेम्परेचर मेनली, देर आर टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स। वे कौन डेजर्ट है मैं बता रहा हूं। देखिए टाइप्स ऑफ डेजर्ट, टाइप्स ऑफ डेजर्ट, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट अकॉर्डिंग टू डिफरेंसेस टेम्परेचर। फर्स्ट हॉट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट्स, दूसरा कोल्ड डेजर्ट्स, कोल्ड डेजर्ट्स। ये क्या है हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट्स? हॉट, यहां पर ये हॉट वर्ड ये देखते ही पता चलता है कि यह गर्म क्षेत्र है, वह गर्म एरिया है जहां पर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, ठीक। लेकिन वहां द एरिया, द वास्ट एरिया हियर टेम्परेचर इज हाई बट वेजिटेशन आइदर वेरी लो वेजिटेशन कवर और नो वेजिटेशन, या तो वेजिटेशन है ही नहीं या बहुत कम है, वह हॉट डेजर्ट है। रेनफॉल नाम मात्र होती है, वेरी स्केंटी रेनफॉल अकर्स इन दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड हॉट डेजर्ट। और हॉट डेजर्ट की पहचान क्या है कि वर्ल्ड के जो वेस्टर्न एरिया है, इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, मोस्टली हॉट डेजर्ट्स लाई इन द वेस्टर्न मार्जिन, यानी पश्चिमी क्षेत्रों में, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में, मेनली पश्चिमी क्षेत्रों में, वेस्टर्न एरिया, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न एरिया में ये मिलते हैं। मैं वर्ल्ड मैप में आपको दिखाऊंगा ये हॉट डेजर्ट कहाँ मिलते हैं वर्ल्ड में, वर्ल्ड के नक्शे में। तो यहाँ इसकी पहचान क्या है, टेम्परेचर इज वेरी हाई थ्रू आउट द एरिया, ये सैंडी एरिया है। विंटर सीजन में क्या होता है कि टेम्परेचर दिन के समय में, ड्यूरिंग डे टाइम टेम्परेचर इज सम हाई, बट ड्यूरिंग नाइट टेम्परेचर फॉल्स रैपिडली। यहाँ पर टेम्परेचर, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत हाई है, दिन के समय टेम्परेचर
हाई रहता है, लेकिन रात में ड्यूरिंग नाइट टेम्परेचर बिकम्स वेरी लो. दैट्स वाई डेली और ड्यूरनल रेजियम टेम्परेचर इज वेरी हाई. अब यहाँ के वेजिटेशन क्या है, थॉर्न फॉरेस्ट है. थॉर्न फॉरेस्ट कटीले वन मिलते हैं, बबूल, खैर, कैक्टस. दिस इज अ स्मॉल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट. द ट्री एंड प्लांट्स आर फाउंड इन सच एरियाज विच कैन सर्वाइव देयर लाइव्स इवन विदाउट वाटर. फॉर मेनी इयर्स, फॉर मेनी मंथ्स दी प्लांट्स कैन सर्वाइव देयर लाइव्स विदाउट वाटर. ऐसे जैसे मैं बोला कि पहले रेनफॉल बहुत कम होती है, रेनफॉल कम होती है इसलिए वैसे ही प्लांट मिलते हैं जो कि बिना पानी के भी अपने जीवन को सर्वाइव कर सकते हैं. कैक्टस ऐसे प्लांट है जिनकी रूट जो है बहुत लंबी होती है. इन सर्च ऑफ वाटर देयर रूट्स ग्रो इनसाइड द अर्थ. ऊपर से पौधे बहुत छोटे दिखाई देते हैं लेकिन उनकी जड़ें बहुत लंबी होती है, क्योंकि अंदर ये पानी खोज में इनकी जड़ें बढ़ती रहती है. ये तो हो गए हॉट डेट, रेनफॉल बहुत कम होती है. अब वर्ल्ड के किन किन क्षेत्रों में मिलते हैं मैं दिखाऊंगा वर्ल्ड मैप में. जैसे साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अटकामा डेट है, इंडिया का थार डेट है, ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मेरी हॉट डेट, सहारा डेट जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेट है, कैलिफोर्निया डेट नॉर्थ अमेरिका में है. तो अटकामा डेट इन साउथ अमेरिका, आई विल शो यू इन मैप. अब यह कोल्ड डेट क्या है, कोल्ड डेट्स दी डेट्स, जैसे मैं बोला कि हॉट डेट में टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, वेरी हाई ड्यूरिंग समर टेम्परेचर रीचेज इन द एरिया ऑफ हॉट डेट अबव 45 डिग्री सेल्सियस. 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द एरिया ऑफ हॉट डेट. व्हाई इन कोल्ड डेट टेम्परेचर बिकम्स वेरी लो, वेरी लो टेम्परेचर रिकॉर्डेड. दी डेट्स आर फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड एरिया, हाई लेटिट्यूडल एरिया, और ये सम पार्ट ऑफ द एरियाज कवर्ड विथ आइस एंड स्नो, जहां पर टेम्परेचर बहुत लो रहता है. समर सीजन ए वेरी शॉर्ट पीरियड, विंटर्स आर लॉन्ग एंड समर्स आर शॉर्ट. हॉट डेट में क्या है कि विंटर्स आर ऑल्सो लॉन्ग बट एज कंपेयर टू समर सीजन विंटर्स आर शॉर्ट. यहां पर समर सीजन लॉन्ग होते हैं लेकिन हॉट, लेकिन कोल्ड डेट में क्या है कि समर्स आर शॉर्ट. ये रेनफॉल समर सीजन में थोड़ी होती है, बहुत वेरी स्केंटी रेनफॉल अकर्स, बट स्नोफॉल इज वेरी कॉमन ड्यूरिंग विंटर सीजन. रात में तो स्नोफॉल बहुत अधिक होती है. टेम्परेचर रिकॉर्डेड बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, बिलो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर समटाइम रिकॉर्डेड ड्यूरिंग नाइट इन विंटर सीजन. तो यहां पर विंटर सीजन लंबे होते हैं, डेज एंड नाइट्स बोथ आर वेरी कोल्ड, बट एज कंपेयर टू डे टेम्परेचर नाइट टेम्परेचर इज वेरी वेरी लो, फार बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. एंड दिस एरिया रिसीव्स स्नोफॉल इज वेरी कॉमन. अब ये वर्ल्ड कहां क्षेत्र मिलते हैं, तो जैसे रशिया का उत्तरी भाग, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया, यूरेशिया, ये साइबेरिया भी बोलते हैं, साइबेरिया एरिया, नॉर्दर्न कनाडा, ग्रीनलैंड, ये क्या है अंटार्कटिका, देयर आल्सो कोल्ड एयर्स. अंटार्कटिका दैट इज टोटली कवर्ड विथ आइस एंड स्नो. नॉर्दर्न कनाडा, ग्रीनलैंड, दैट इज ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड. एंड साइबेरिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरेशिया, दे आर द कोल्ड एयर्स ऑफ द वर्ल्ड. नाउ इन द वर्ल्ड मैप आई वुड लाइक टू शो यू हियर वेयर द हॉट एयर्स. बच्चों देखो, दिस इज वर्ल्ड मैप. इस वर्ल्ड मैप में आप देखिएगा, जैसे कि मैं पहले बोल दिया हूं, आई हैव शोन यू मेनी टाइम्स, दिस इज साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दे आर द कॉन्टिनेंट्स. एंड हियर इन सदर्न पार्ट दिस इज अंटार्कटिका. ठीक, नाउ द हॉट एयर्स ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट, दिस इज अल्जीरिया, दिस इज लीबिया. ठीक, लीबिया,
here almost entire part of the countries of Africa, you can say that northern, almost northern part, northern and some western part, little more, little western part of area, but northern part of Africa is totally covered with hot desert. This is known as Sahara. इसका नाम क्या है? Sahara desert. Sahara. Here, northern nearly one third part of Africa is covered with Sahara desert. It is the largest hot desert of the world. Now, it is Western Australia. Western Australia. Also hot desert. It is, yes, South Africa and Kalahari. Kalahari desert. Kalahari. Kalahari desert. Kalahari desert lie in northwestern part of South Africa. Kalahari desert. It is South Africa and northern northwestern part of South Africa. There is a hot desert known as Kalahari desert. Here is Atacama desert. Atacama desert. It is Peru. Yeah, Peru है और ये चिली है. चिली और पेरू ये दोनों नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चिली एंड सदर्न पार्ट ऑफ पेरू. दिस पार्ट इन नोन एज अटाकामा डेयर्ट. यह हो गया अटाकामा. अटाकामा डेयर्ट, राइट? अटाकामा डेयर्ट ऑफ साउथ अमेरिका. इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, some parts of Peru and some parts of Chile. Sahara desert, that is totally northern part and very few parts of western part of Africa. Kalahari desert in South Africa, northwestern part of South Africa. Western Australia, that is very hot desert. And in India, here is Thar desert. In Rajasthan, here is Thar desert. Rajasthan, इसको बोलते हैं Thar desert. Thar desert. तो थार डेयर्ट ऑफ राजस्थान इन इंडिया एंड दे आर द हॉट डेयर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. हॉट डेयर्ट्स. कोल्ड डेयर्ट्स, देखिए कोल्ड डेयर्ट्स, दिस इज नोन एज साइबेरिया. ये कोल्ड डेयर्ट है. कोल्ड डेयर्ट साइबेरिया, या साइबेरिया हो गया. देखिए ऑल स्टूडेंट्स, हियर इट इज साइबेरिया. हियर ग्रीनलैंड, ग्रीन लैंड, ग्रीन लैंड कोल्ड डेयर्ट है. कोल्ड डेयर्ट, कोल्ड डेयर्ट. यू नो दैट ग्रीन लैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड. यह नॉर्दर्न कनाडा या यूएसए कनाडा है, ये भाग जो है यह कोल्ड डेयर्ट है. यह नॉर्दर्न कनाडा हो गया, कनाडा, एंड इट इज कोल्ड डेयर्ट. कोल्ड डेयर्ट. हियर इन साउथ अमेरिका, यानी पैटागोनिया, पैटागोनिया इन अर्जेंटीना, इट इज नोन एज कोल्ड एयर. पैटागोनिया इन अर्जेंटीना. दस अगेन आई लाइक टू से यू दैट नॉर्दर्न कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरेशिया दैट इज नोन एज साइबेरिया, एंड अंटार्कटिका दैट इज ऑल्सो कोल्ड एयर. ऑल दी एरियाज हैव वेरी लो टेम्परेचर एंड स्नोफॉल इज वेरी कॉमन. ड्यू टू अकरेंस ऑफ स्नोफॉल टेम्परेचर बिकम्स वेरी लो. विंटर्स आर लॉन्ग. रेनफॉल इज ऑलमोस्ट नो रेनफॉल ऑकर्स इन दिस एरिया. दस आई स्पेंड अबाउट हॉट डेयर एंड कोल्ड डेयर. चिल्ड्रेन, थैंक यू.